नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा डीपा के समीप एमएम निर्मला प्यारी मिंज के स्कूटी से गिरने पर उसकी मौत हो गई। बता दें कि निर्मला आरंगी स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में पदस्थापित है और मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा से वैक्सीन का डब्बा लेकर वैक्सीनेशन हेतु पलमा जा रही थी। इसी क्रम में पलमा डीपा के समीप निर्मला की साड़ी स्कूटी में फंस गई और अनियंत्रित होकर वह स्कूटी से गिर पड़ी। 108 एम्बुलेंस के सहयोग से घायल निर्मला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि निर्मला की मौत स्कूटी से गिरने के उपरांत मौके पर ही हो गई थी, लेकिन एहतियातन उसे अस्पताल लाया गया। घटना के बावजूद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ए.के. एक्का ने बताया कि निर्मला मूल रूप से लोहरदगा पतराटोली की निवासी है और घटना के दिन वह सीएचसी घाघरा से वैक्सीन लेकर जा रही थी। इसी क्रम में स्कूटी से गिरने से उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर सभी स्वास्थ्य कर्मी गोलबंद होकर शव के साथ घाघरा लोहरदगा मुख्य पथ को जाम कर दिया। हालांकि समझाने के बाद शव को सड़क से हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मी आधे घंटे तक सड़क पर डटे रहे। घाघरा अंचल अधिकारी प्रणव ऋतुराज, वीडियो विष्णुदेव कश्यप एवं थानेदार अभिनव कुमार के पहल से सड़क जाम हटाते हुए सभी सीएचसी परिसर में बैठ गए। सभी स्वास्थ्यकर्मी निजी तौर पर 8000 एवं अंचलाधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कल्याण विभाग से 1,00,000 की सहयोग राशि देने के आश्वासन के बाद स्वास्थ्यकर्मी माने। देखिए, आज ये बहुत दुखद घटना घटी है, जो हम लोग की एनएम हम लोग के बीच में नहीं रही, वो टीकाकरण के लिए जा रही थी और वीर गति को प्राप्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गई। वो हम लोग जो भी मुआवजा उसको सरकार की ओर से मिलना है उसे जितना जल्द हम लोग कोशिश करेंगे दिलवाएंगे। खास करके जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो मिलता है 1,00,000 रुपये कल्याण विभाग की ओर से, उसे हम लोग जितना जल्द दिलवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ डॉक्टर मिश्रा ने पहल की और BDO साहब, CO साहब सब मिल करके हम लोग कुछ राशि जमा करके दिए हैं ताकि वो अभी कुछ काम कर सके, अपना क्रियाक्रम कर सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।